हेलो दोस्तों वेलकम टू एग्जामपुर कैसे आप लोग आई होप बढ़िया होंगे आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की यानी नेक्स्ट uh, इस क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर फोर्थ की तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग जल्दी को क्लास को लाइक like कर लेंगे और फिर हम आपकी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जल्दी से एक बार सभी लोग कर दीजिए स्टार्ट ठीक है जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और एक बार लाइक like कर लेंगे क्लास को तो हम बात करने वाले कल हमने एक आपका क्वेश्चन छोड़ा था है ना जो आपका नोमेरिकल था हमने कहा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में तो हम उसको आज सबसे पहले क्वेश्चन को करवाएंगे और यहाँ पे हमने आपको जैसा कि बताया सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और ये सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सीरीज़ है अच्छा जो आपकी पी है पी आप एग्ज़ामपुर ऐप पर जाना एग्ज़ामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए और एग्ज़ामपुर ऑफिशियल ऐप पर जब आप जाओगे है ना जब ऐप पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस का फ्री क्लासेस का एक कैटलॉग मिलेगा यानी फ्री क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा उसमें क्लिक करना फिर नीचे जाओगे तो आपको आरआरसी ग्रुप डी का सेक्शन मिलेगा और उस ग्रुप डी के सेक्शन में जब आप जाओगे अंदर तो आपको न्यू 500 क्वेश्चन सीरीज का एक फोल्डर मिलेगा न्यू 500 क्वेश्चन सीरीज का फोल्डर मिलेगा और उसमें आपको सारी के सारी पीडीएफ अवेलेबल है ठीक है अपलोड हो जाएंगे अभी जस्ट पाँच से एक घंटे के अंदर यानी क्लास लेने के बाद आप तक तब तक आपकी अपलोड हो जाएंगी ठीक है चलिए तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है मानक ताप और दाप पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 दशमलव लीटर आयतन लेती है तो यह है कौन सी गैस है और जबकि उन्होंने देख दे रखा है कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः बारह चौदह और एटीन है यानी कि यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझना है मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ कि आपका जो मोलर मास किसी भी गैस का किसी भी गैस का वन मोल ऑफ एनी गैस वन मोल ऑफ गैस यानी किसी भी गैस के एक मोल में स्टैंडर्ड वाइस दशमलव चार लीटर आयतन होता है वॉल्यूम होता है बस ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका मतलब ये है कि कोई हमारे पास एक मोल गैस है क्या है एक मोल अब मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको मोल का मतलब बताया है ठीक है एक मोल गैस की अगर हम बात करते हैं मतलब वो गैस जिसमें आपकी 10 की पावर ट्वेंटी तो सीधे -सीधे अगर हम बात करें एक मोल गैस में आपके बाईस दशमलव चार लीटर होते हैं और ये आपका हम लेकर चलते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एट एस टी पी ठीक है तो यहाँ पे आपको पहचानना है सिंपल सा लॉजिक है एक मोल में बाईस दशमलव चार लीटर है तो यहां पे अगर हम बात करें और एक मोल एक मोल गैस का क्या होता है किसी गैस का एक मोल किस में होते हैं उसके मोलर मास में उसके मोलर द्रव्यमान में तो इसका मतलब यह है किसी भी गैस का या किसी भी कंपाउंड का जो हम मोलर मास निकालते हैं उसमें एक मोल होते हैं और उसमें एक मोल में बाईस दशमलव चार लीटर आयतन होता है ठीक है अब इसका मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा देखो कैसे यहां पे आपको रैंडमली चूज करना पड़ेगा जैसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लें नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का आप पहले मोलर मास निकालिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का मोलर मास आ जाएगा नाइट्रोजन का चौदह ग्राम ऑक्सीजन का सोलह ग्राम तो ये आपका कितना आ जाएगा चार और छः नाइट्रोजन छ चार दस की जीरो तो ये आपका आ जाएगा तीस कितना आ जाएगा तीस ग्राम आ जाएगा तो तीस ग्राम में एक मोल होंगे तीस ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक मोल होंगे और एक मोल में बाईस दशमलव चार लीटर इसका आयतन होगा इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है कि जिसका भी हम मोलर मास निकालते हैं या मोलिकुलर वेट निकालते हैं जिसका भी मोलर मास या मोलिकुलर वेट निकालते हैं उसमें आपके एक मोल होते हैं और एक मोल में इतने लीटर आयतन होता है उसका वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे पहचानना है पाँच दशमलव चार लीटर तो यहाँ चेक कर लीजिए कि पाँच दशमलव चार लीटर इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो 22.4 लीटर में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में 30 ग्राम है है ना तो जब आप 5.6 लीटर निकालोगे 5.6 लीटर के लिए तो इसमें चार का डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब 30 ग्राम में चार का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.5 ग्राम आ जाएगा तो ये मैच कर रहा है किससे नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो डायरेक्ट आपका यही आंसर हो जाएगा अब अगर आप कहोगे कि सर सबको चेक करना पड़ेगा बिल्कुल सबको चेक करना पड़ेगा और ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी ठीक है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे 22.4 लीटर आयतन गैस में गैस के आयतन में 30 ग्राम होता है तो इसका मतलब यह हो जाएगा पांच दशमलव छह चार से डिवाइड कर दो तो 7.5 ग्राम आ जाएगा तो इसका यह मतलब है ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की क्वेश्चन जल्दी से सेकेंड देखेंगे एक वस्तु का द्रव्यमान 85 फाइव के जी और बेग सिक्सटी मीटर पर सेकेंड है वस्तु का संबेग निकालिए तो ये आपका एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं अगर हम यहाँ पे बात करें ये सभी आपके एन ग्रुप डी दो के क्वेश्चन हैं अगर हम यहाँ पे बात करें आपका कोई भी संवेग होता है जिसको हम पी से दिखाते हैं वो आपका मास इंटू वेग होता है मास इंटू वेग यानी मास इंटू वेलोसिटी यानी किसी वस्तु के पास मान लो कोई एम द्रमान की कोई वस्तु है इसमें आपका क्या होगा है? अगर इसके पास वेग है ये चल रही है इसकी वेलोसिटी है तो इसके पास मोमेंटम होता है जिसको हम से दिखाते हैं और मोमेंटम होता है इस मास और वेग के गुड़न फल के बराबर यानी कि एम बी के बराबर तो यहां से आपको दो पॉइंट याद रखने हैं तो तो पहले हम इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं मास दे रखा एट्टी फाइव किलोग्राम और साठ मीटर पर सेकेंड दे रखा है वेग तो यहां से आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना आ जाएगा यहां से आप सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा बताइए ठीक है तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए जीरो uh, यहाँ पे छः पंच जीरो तीन छः आठ छ अड़तालीस और फाइव वन तो फाइव वन जीरो जीरो फाइव वन जीरो जीरो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आपका यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें अच्छा फिफ्टी वन हंड्रेड है नॉट थाउजेंड तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पे फिफ्टी थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड है फिफ्टी वन हंड्रेड यानी इक्यावन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड यानी मीट, किलोग्राम मीटर माइनस सेकेंड ठीक है मतलब इसका ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड को हम ऊपर ले जाएं तो ये मीटर सेकंड की पावर माइनस वन हो जाएगा ठीक है बात ही की है तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा और सिंपल सा लॉजिक याद रखना इसकी यूनिट बहुत बार पूछी गई है मोमेंटम संवेग की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड बहुत बार पूछी गई है और यहीं से अगर हम इसके डायमेंशन को निकालें तो किलोग्राम को मास लिखते हैं मीटर पर सेकेंड को एल्टी इनवर्स लिखते हैं तो आपका ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ये इसका सॉरी यहाँ पे एक हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए इतने सारे पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए इतने सभी जल्दी से पॉइंट को नोट करेंगे ठीक है इतना क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर यहां पे थर्ड देखिए सभी लोग एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है तो ये हमने कल आपको प्रॉपर समझा दिया था जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पुराने वालों को तो पता होगा इसका आंसर ठीक है चलिए ये सब समझ नहीं आता बबीता शर्मा क्या नहीं समझ आता भाई इतना सिंपल तरीके से करवा रहे हैं फिर भी नहीं समझ आ रहा है बताइए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग स्पीड में करिए इस क्वेश्चन को अगर हम यहां पे बात करें हमने आपको बोला कि जो बल होता है बल गुणे विस्थापन और बल गुणे विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का एंगल थीटा उसका कॉस तो ये आपका किया गया कार होता है तो इसका मतलब किया गया कार किस पे किस पे निर्भर कर रहा है लागू बल पर यानी जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है फोर्स एंड विस्थापन यानी बल और विस्थापन के बीच जो एंगल होता है उस पर भी डिपेंड करता है ना एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पे डिपेंड तो करता ही करता है लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग से कोई मतलब नहीं है यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे किया गया कार डन डिपेंड नहीं करता है तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा तो सिंपल सा लॉजिक है यहां पे कि आपके इन तीन फैक्टर पे वर्क डन डिपेंड करता है एक तो किया गया का जो आप बल लगाते हो फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से विस्थापन होता है उस पर और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है अगर एंगल जीरो है तो किया गया नाइनटी है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है तो किया गया कार क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो इससे रिलेटेड आप कभी गलत अब नहीं करोगे है ना बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर जल्दी इस फोर देखें अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है औसत वेग की गणना करें दो तीन क्लासेस और हो जाए दो तीन क्लासेस के बाद आपकी जो सीरीज अब आएगी मतलब इसी में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पूरे के पूरे बेहतरीन वाले आने वाले मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेकिन ग्रुप डी के लेवल को आप कर चुके हो पार कर चुके हो आप एक लेवल अप हो चुके हो है ना ग्रुप डी एन के क्वेश्चन आप आराम से अब कर लोगे ठीक है तो हम धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए उनको भी धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो सभी क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में है ना अदल बदल कर तो यहां पे आपसे पूछा अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है औसत वेग की गणना करनी है तो यहां पे ये आपका वृत्ताकार पथ है है सर्कुलर पाथ है। तो यहां पे ये अदिति खड़ी हुई है और ये इसका रेडियस आर है ये क्या करती है यहां से चलना प्रारंभ करती है ठीक है एट मीटर है इसका पथ एट मीटर इसकी पूरी की पूरी परमाप है यानी टू पाई आर की वैल्यू कितनी है 800 मीटर है और वो दौड़कर 50 सेकेंड में यानी बराबर 50 में वो वापस आ जाती है अपने पॉइंट औसत तो तो बेग, बेग निकालना है तो यहां पर अगर हम औसत बेग की, की बात करें एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी औसत बेग हमेशा याद रखना एवरेज वेलोसिटी यहां पे आपकी जीरो हो जाएगी क्यों क्योंकि विस्थापन जो होगा वो जीरो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा वो उसी जगह पे आ गई ना वापस तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया विस्थापन जीरो हो गया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी शून्य होगी है ना कई लोगों ने देखो सॉल्व कर लिया है कई लोगों ने सॉल्व कर लिया है ठीक है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी शून्य होगी जीरो होगी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना वो अपनी जगह पे वापस आ गई तो जब अपनी जगह पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी और जो वेलोसिटी हो होती है वो उसमें आपके फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है अगर यहां एवरेज स्पीड पूछते तो वो जीरो नहीं होती ठीक है चलिए बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा और याद रखना जो भी हम ध्यान से ऑप्शंस को देखना आंसर्स को क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो पीडीएफ देंगे उसमें आंसर्स नहीं होंगे ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये हमने आपको स्टार्टिंग में पहले वाले लेक्चर में करा कराया था जो आजकल ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के नीचे बिछाई जा रही है समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फ़ाइबर बिछाई जा रही है ताकि सिग्नल हमारा यहाँ से बहुत देशों तक पहुँच सके यानी जब हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो वो मोबाइल से हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी और वो साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है मोबाइल में माइक के द्वारा और फिर वो लाइट एनर्जी में प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और वो प्रकाश आपका जाता है किसके ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर आपकी कुछ इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं इस तरीके से और फाइनली यहाँ पे छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर होता है यानी ऑप्टिकल फाइबर बाल जितना पतला हो सकता है इतना इतना मतलब पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर उससे लाइट जाती है और उससे सिग्नल जाता है कि किसके रूप में जाता है प्रकाश के रूप में जाता है ए, लाइट के रूप में जाता है तो इसके लिए वो तभी एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है जब इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता हुआ प्रकाश जाए प्रकाश पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए जाएगा तो उस सिग्नल का लॉस नहीं होगा सिग्नल का लॉस नहीं होगा आराम से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी दूरी तक चला जाएगा तो इसीलिए यहां पे आपको सिंपल पॉइंट याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल जाता है वो प्रकाश के फॉर्म में जाता है यानी लाइट की फॉर्म में जाता है प्रकाश के रूप में जाता है तो बस आपको बस यही याद रखना है ठीक है चलिए बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है सभी लोगों को समझ आ गया तनुजा विवेक राठौर बहुत अच्छे बहुत ही शानदार आप आंसर कर रहे हो सर आप कहाँ के रहने वाले इटावा भाई इटावा के पास अपना है जहां से संजीव सर है, है ना वहीं से चलिए एंटी मैटर पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड यहां पे जरा ध्यान से देखिए एंटी मैटर पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल क्या होते हैं तो यहां पे एक याद रखना कि साइंटिस्टों ने ऐसी डिस्कवरी की है कि जो मैटर होता है यानी पदार्थ उसका एंटी मैटर पाया जाता है मतलब इसका यह है कि हर एक चीज का अपोजिट पाया जाता है तो यहां पे सीधा सीधा लॉजिक ये है अगर मैटर पाया जाता है पदार्थ पाया जाता है तो पदार्थ का उल्टा एंटी पदार्थ यानी कि एंटी मैटर पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब का इलेक्ट्रॉन तो का जो एंटी यानी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जो होता है समतुल्य प्रतिद्रव्य जिसे एंटी मैटर बोलते हैं उसको पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए पॉजिट्रॉन के बारे में तो पॉजिट्रॉन की जो इलेक्ट्री जो मास होता है पॉजिट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के तो यहां पे लिख लो पॉजिट्रॉन को पी प्लस से दिखा देते हैं या फिर ई प्लस से दिखाते हैं ठीक है ई प्लस से दिखा देते हैं, e हैं पॉजिट्रॉन को तो यहां पे आप लिख लेना कि जो पॉजिट्रॉन का मास है वो लगभग बराबर होता है इसका जो मास है द्रव्यमान है वो लगभग मतलब बराबर होता है लगभग क्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से और वो कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी के और अगर हम बात करें इस पर आवेश कितना होता है इस पर प्लस प्लस वन ई के बराबर आवेश होता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पॉजिटिव पॉजिट्रॉन पर होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन क्या है उल्टा है इलेक्ट्रॉन का तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस का वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस का नाइनटीन कूलॉम यानी प्लस का चार्ज होता है आवेश होता है दूसरा इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज <coughs> किसने की तो पॉजिट्रॉन की खोज उन्नीस में कार्ल डी एंडरसन कार्ल डी एंडरसन ने की थी ठीक है कार्ल डी एंडरसन ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी तो ये आप लिख लीजिए लिख लीजिए और इसको पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है तो आपके ए बी और डी दोनों आंसर सही होंगे ठीक है बी और डी दोनों आंसर सही होंगे बिल्कुल सही बात है ठीक है इतना समझ आ गया कि नहीं तो यहां पे आपको याद रखना है कि वी एंड डी दोनों आंसर सही क्योंकि पॉजिट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है एंटी होता है प्रतिद्रव्य है इलेक्ट्रॉन का ठीक है और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की कार्ल डी एंडोशन ने उन्नीस में पॉजिट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है लेकिन प्लस में आवेश होता है पॉजिटिव और और द्रव्यमान इसका जो पॉजिट्रॉन का और का इलेक्ट्रॉन है वो लगभग बराबर नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी के तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसका आंसर जो ऊपर था ना बी और डी दोनों हो जाएगा नरम वस्तुएं कौन सी अधिक मात्रा में किस प्रकार की एनर्जी को सोख लेती हैं यह आपको आंसर करना है एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये है ना एन और आर का क्वेश्चन है ऐसा ही है कुछ है ना सभी प्रीवियस ईयर बेहतरीन क्वेश्चन है ये अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपके सॉफ्ट मटेरियल होते हैं सॉफ्ट मटेरियल मुलायम मुलायम जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं किस प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको आंसर करना है साउंड एनर्जी यानी जो साउंड एनर्जी होती है ना ध्वनि ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को इसीलिए आपने देखा होगा जब जैसे हमारा जो स्टूडियो बना हुआ है यहाँ पे साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले फोम लगे हैं फोम है ना तो जब आप जाओगे थिएटर में जाना कभी भी है ना मूवी देखने जाना तो थिएटर की जो छत होती है दीवारें होती हैं उनमें फोम लगी होती है फोम वो सॉफ्ट मटेरियल लगा होता है सॉफ्ट मटेरियल में क्या होता है इनरेगुलरिटीज़ होती हैं यानी कि सॉफ्ट मटेरियल में कुछ इस तरीके की इनरेगुलरिटीज़ होती हैं इनरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि उनमें इस तरीके की दरारें या इस टाइप से कुछ होता है तो इसमें जब लाइट साउंड की ऊर्जा पड़ती है साउंड वेव पड़ती हैं तो वो इनसे रिफ्लेक्ट होके इधर 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 यहीं में समा जाती हैं इन्हीं में समा जाती हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो साउंड एनर्जी है जब हम ये चीज़ें लगा देते हैं ए, उसमें कमरे में तो वो गूंजती नहीं है जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी नहीं तो गूंजेगी नहीं तो साउंड गूंजने से बच जाती है जिसे रिवर्वरेशन बोलते हैं ठीक है तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं ठीक है तो सीधे से आपका आंसर क्या आ जाएगा साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन ध्वनि ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन सॉफ्ट मटेरियल चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एट जल्दी से करेंगे एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा और एक समूह में इलेक्ट्रॉन आवंद पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी एक समूह में आयनीकरण करण ऊर्जा समूह की मतलब हम ऊपर से नीचे ग्रुप की बात कर रहे हैं ना तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप की बात करते हैं ग्रुप यानी ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जैसे हम पहला ग्रुप ले ले रहे हैं हेलिना का रब से फरियाद हेलिना का रब से फरियाद तो आप जब पहले ग्रुप में देखना तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है आयनन ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं वो घटती है क्यों घटती है क्योंकि इनका साइज बढ़ता जाएगा इनका जो एटॉमिक साइज है इनका जो एटॉमिक साइज है इनका जो आकार है वो बढ़ेगा इनका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा जिसके लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो जो आयन ऊर्जा होती है आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है उसी ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर यानी समूह की जब हम बात करते हैं तो घटती है क्या होती है घटती है अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन आवंध की इलेक्ट्रॉन आवंध का यहां पे क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन आवंध का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा ऊपर से नीचे जाने पर या मजबूत होगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या हो जाएगा कमजोर होगा यानी डिक्रीज होगा तो दोनों ही चीजें डिक्रीज होंगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन किसका किसका सही है डी कौन कौन कर रहा भाई यहां पे डी में क्या दे रखा है बढ़ता है इलेक्ट्रॉन आवंद ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आवंद की बात कर रहे हैं आप एटॉमिक साइज की बात नहीं कर रहे यहां पे हम एटॉमिक साइज की बात नहीं कर रहे ठीक है इलेक्ट्रॉन आवंद की बात कर रहे तो इलेक्ट्रॉन आवंद पे क्या प्रभाव पड़ेगा ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए बिल्कुल सही है बी ऑप्शन हो जाएगा दोनों डिक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन आवंद का मतलब है कि उनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का इस तरीके से इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इनके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि इनका साइज छोटा है इनका बहुत मजबूत आकर्षण बल है अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से सोडियम का स्ट्रक्चर इस बनेगा इसमें आपके प्रोटोन न्यूट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके आठ इलेक्ट्रॉन ठीक है यहां पे आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक और आपका बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गया देखो नाभिक से तो ये कमजोर बल से बंधा होगा कमजोर बल से जिसकी वजह से इसको निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी और वो दोनों घटेगी ठीक है तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है किसी एक इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है खर्च होती है वही आपकी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी चलिए न्यूटन का गति का तीसरा नियम आपका अगर हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करें तो वो क्या हमें बताता है तो ये हमें बताता है ध्यान से समझिए हमारे पास मान लो दो बल दो ऑब्जेक्ट हैं एक ए ऑब्जेक्ट है एक बी ऑब्जेक्ट है ठीक है, है ये आपस में टकरा गए ये आपस में टकरा गए टकराने के बाद क्या होगा ये आपस में ऐसे टकरा गए तो ए जो होगा वो इस बी पर एक बल लगाएगा इधर की तरफ एफ ए बी और उतना ही इक्वल एंड उल्टी डायरेक्शन में बी बल लगाएगा जिसे हम एफ बी ए के नाम से देख लेंगे ठीक है तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो जो एफ ए बी होगा एक्वल एंड एफ बी ए के बराबर हो जाएगा लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस अपोजिट के लिए तो ये आपके बराबर हो जाएगा यानी कि जो आपका गति का तीसरा नियम है न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो क्या बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक्शन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वो दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं तो एक वस्तु ये है एक वस्तु ये है तो इनके बीच में जो लगने वाला इनके बीच में जो लगने वाला बल है उनके बीच का संबंध दिखाता है ये देखो संबंध है ये ये रिलेशन है बात समझ आ गई कि नहीं तो अगर हम यहां एक बॉल है ए एक बॉल है बी ये आपस में टकरा जाती हैं टकराने के बाद ये इस स्थिति बनती है तो ए बी पर जब टकराएगी तो ए बी पर एक बल लगाएगी एफ ए बी के बराबर तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट बी ए पर बल लगाएगा बिल्कुल बराबर लेकिन में बी भी ए पर बल लगाएगा एफ बी ए के बराबर बी से ए की तरफ है ना तो ए से बी की तरफ ए ने बल लगाया बी पर और बी से ए की तरफ बी ने ए पर बल लगाया तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे माइनस में तो ये रिलेशन दिखाते हैं तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आंसर इसका भी हो जाएगा क्लियर है समझ आ गया कि नहीं ये लॉजिक समझ जाना आप बढ़िया तरीके से बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ठीक है इतना क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जल्दी से बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताएंगे हेपेटाइटिस पोलियो चिकन पॉक्स और टाइफाइड में कौन बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ठीक है बताइए एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी बेहतरीन क्लास ऐसे ही चलती रहे ठीक है चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले हेपेटाइटिस की तो आपका जो हेपेटाइटिस होता है ये वायरस से होने वाला वायरस से होने वाला रोग है वायरस से होने वाला रोग है और ये आप अगर हम देखें हेपेटाइटिस तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है क्या होता है हेपेटाइटिस आपका जेनेटिक होता है सॉरी क्या बोल रहा हूं हेपेटाइटिस uh, की अगर हम बात करें एक पॉइंट समझना कि जो हमारा लीवर uh, होता है लीवर वो सूज जाता है लीवर में इंफेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस का क्या मतलब है लीवर में इंफेक्शन लीवर में जो लीवर होता है उसमें इंफेक्शन हो जाता है इन्फेक्शन वो सूज जाता है उसमें सूजन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर के अंदर हेपीटाइटिस में और ये वायरस की वजह से होता है तो इसमें वैक्सीन का हम काम करते हैं वैक्सीन यूज करते हैं जिससे ये क्योर होता है इसके बाद अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें चिकन पॉक्स भी आपका क्या है वायरल इन्फेक्शन होता है ये भी आपका वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है ये बच्चों में ज़्यादातर हो जाता है चिकन पॉक्स है ना चिकन पॉक्स के बहुत सारे नाम होते हैं वायरस से होने वाला ये भी आपका इन्फेक्शन है अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो के टीके अभी तक लगाए जाते हैं ना पोलियो यो वैक्सीन लगाई जाती है और वैक्सीन ज्यादातर किसकी हमेशा वायरस की लगाई जाती है तो ये भी आपका वायरस की वजह से होता है पोलियो यानी जिसमें शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है क्या हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर पोलियो आ, मतलब हो जाए तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है लेकिन अगर हम टाइफाइड की बात करें यह आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसमें उल्टी हो जाती है होने लग जाती है पेशेंट को उल्टी होने लग जाती है दस्त होने लग जाते हैं बहुत सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफाइड और इस बैक्टीरिया का नाम बताओगे बैक्टीरिया का नाम बताओ सलमोनेला टाइफी सलमोनेला सलमोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम होता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है इसको भी आप लिख लीजिए सलमोनेला टाइफी इसकी वजह से आपका क्या होता है टाइफाइड होता है इस बैक्टीरिया की वजह से इस बैक्टीरिया का नाम भी लिख लीजिए जल्दी से इस बैक्टीरिया का जल्दी से नाम लिखेंगे तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बाकी के तीनों हेपेटाइटिस चिकन पॉक्स और पोलियो इन तीनों में क्या होता है आपका

पेपर की बात करते हैं लकड़ी की बात करते हैं टिन की बात करते हैं तो इनमें से कौन है जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है यानी कि अगर हम बात करें कि जो डिग्रेडेबल नहीं है बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है जो मतलब अपने आप से नष्ट होने वाला नहीं है तो यहां पे ध्यान से देखो कॉटन की अगर हम बात करें ये आपका कपास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रुई बोलते हैं रुई कॉटन यानी रुई कपास है ना? तो ये आपकी बायोडिग्रेडेबल है आराम है। ये से ये ये किससे बनी होती है ये सेलुलोज फाइबर होता है ये सेलुलोज फाइबर सेलुलोज फाइबर से कॉटन निकलती है ये ठीक है सेलुलोज फाइबर होता है लकड़ी की बात करें लकड़ी आप जानते ही हो है ना ये बायोडिग्रेडेबल है अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर भी आपका सेलुलोज फाइबर होता है पेपर आपका लकड़ी से निकाला जाता है प्लांट से निकाला जाता है ना सेलुलोज फाइबर ये भी होता है लेकिन तो ये तीनों के तीनों कॉटन लकड़ी और पेपर ये सभी बायोडिग्रेडेबल है यानी कि बायोडिग्रेडेबल है ये आ, ये आराम से अपघटित हो जाते हैं लेकिन अगर हम टिन की बात करें टिन जिसको हम एसन से लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है इन चारों में इन चारों में टिन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये ऐसा सॉफ्ट सिल्वरी वाइट कलर का होता है सिल्वरी वाइट सॉफ्ट कलर सॉफ्ट होता है ये मुलायम टिन को हम काट सकते हैं कम फोर्स के द्वारा ठीक है और याद रखना है ये जो टिन है इसका नाम स्टैनम इस से लिया गया ये भी आपको याद रखना है टिन का जो नाम है वो स्टैनम से लिया गया ये भी आपको याद रखना है तो ये सारे पॉइंट जल्दी से नोट करिए ये जो एसन वर्ड है वो स्टैनम एस और एन यहां से लिया गया था स्टैनम से टेन का नाम ठीक है परमाणु क्रमांक कितना होता है पचास होता है कहां का ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है कहां का पी ब्लॉक का एलिमेंट है टीन का यूज कहां किया जाता है टीन के बहुत सारे डब्बे बनाए जाते हैं टीन की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं ठीक है चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे इसको जल्दी से नोट करिए नोट कीजिए जल्दी से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका एलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ देखिए जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे तत्व के के पास अपनी वायरी अच्छा में सात इलेक्ट्रॉन है है ना तत्व एम के पास इसकी वायरी अच्छा में चार इलेक्ट्रॉन है तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से और गौर से पढ़िएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये इसको जरा सा दिमाग लगाना है और ये सिंपल है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बस आपको लैंग्वेज समझनी है इसके लैंग्वेज को समझना है इन्होंने कहा है कि एक हमारे पास तत्व के है दिख रहा होगा आप हमारे पास एक के एलिमेंट है इसके बाहरी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके सात क्या है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सात है सेवन इन, इन, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके बाद इन्होंने दे रखा है एम एम में इसकी बाहरी कक्षा में तो एम के पास चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप अगर जरा दिमाग लगाओ तो कुछ ऐसे मैच नहीं हो रहा है कि जिसके बाहर बाहरी अच्छा हम चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन होता है कार्बन मतलब कार्बन के पास भी चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और जिनके आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन हो सकता है क्या हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है, है ना क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको अगर याद आ जाए तो ये क्या बनाते हैं सी सी एल फोर टाइप का बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये किस टाइप का बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी से बनता है शेयरिंग से बनता है तो ये आपका सह संयोजी बंद होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सी की जगह एम है सी की जगह अगर हम यहाँ पे के आ, क्या मान लें एम मान लें तो एम के फोर टाइप का बनेगा बनेगा कि नहीं एम के फोर आपका कंपाउंड बनेगा और जो इलेक्ट्रो जो आपका सह संयोजक बंद होगा क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे देखो कैसे यहां पे हम एम लिखेंगे एम के पास चार इलेक्ट्रॉन है एम के पास चार इलेक्ट्रॉन है कौन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एम क्या करेगा ये अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन को इनको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए एम को तभी तो आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक के को इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक के से इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक के से इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक के से इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये क्या बना देगा अब इसके पास पूरे आठ इलेक्ट्रॉन हो गए और के के पास देखो कितने इसके पास भी आपके कितने हो गए आठ इलेक्ट्रॉन हो गए क्यों क्योंकि के के पास पहले से सात इलेक्ट्रॉन थे एक दो तीन चार पांच बैलेंस वाले इसके के के पास पहले से सात इलेक्ट्रॉन थे एक दो तीन चार पांच छ और एक ये सात बात समझ आ गई कि नहीं ऐसे ही सब में तो ये एम के फोर बनाएगा और साझेदारी से बन रहा है तो वो हो जाएगा सह संयोजक बंद जिसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बताइए किसको किसको समझ आ गया तो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था दिमाग थोड़ा सा लगाना था इसमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है बेसिक्स की जिसमें हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे ठीक है तो हमने यहां पे आपको प्रॉपर बता दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बता दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमेशा स्ट्रक्चर बनता है ठीक है आगे चले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फिर से समझा देंगे बात करते हैं यहां पे एक आपका होता है सार्वत्रिक सूचक जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में इनमें से कौन सा असत्य है यानी सत्य नहीं है ट्रू नहीं है तो यहां पे आपका अगर छोटा दिख रहा है तो पहले हम हिंदी में दिखा देते हैं फिर इंग्लिश में दिखा देते हैं ठीक है? इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। सार्वत्रिक सूचक जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ध्यान से समझिए यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर का मिश्रण है बहुत सारे बहुत सारे इंडिकेटर यानी मैनी मैनी इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिश्रण होता, होता है ये मिक्सर होता है ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर तो ये आपका एकदम सही है स्टेटमेंट अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो अम्ल का और क्षार के प्रबलता का पता लगाता है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की बताता है तो हमेशा याद रखना जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बता सकता है ठीक है तो इसीलिए आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा मतलब बी स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है इसके बाद सी को पढ़िए सी में दे रखा है सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर बिलियन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं पर अलग अलग रंग दिखाता है बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अलग हैं और दूसरे सोल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अलग हैं तो जो हाइड्रोजन आयन की संख्या अगर किसी बिलियन में सोल्यूशन में अलग अलग है तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग रंग शो करेगा बिल्कुल सही बात है तो आपका सी भी सही है यहां पे डी वाला रॉन्ग है क्योंकि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपका धातु और अधातुओं का मिश्रण नहीं है धातु और अधातुओं का मिश्रण नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है ना अब आपको समझ आ गया होगा हिंदी में भी आप देख लीजिए यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मेटल एंड नॉन मेटल धातु और धातु का मिक्सर यानी मिश्रण नहीं होता है तो आपका डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल विराट बाबू शादाब अनुजा गुप्ता ठीक है समझ आ रहा सभी को क्लियर है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़े से लंबे क्वेश्चन थे ये बेहतरीन अब आपके धीरे धीरे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा छार क्रिस्टिकरण में पानी रखता है इस क्वेश्चन का जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग यहां पे आपका वॉशिंग सोडा दे रखा है तो सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा का सूत्र देखेंगे Na2CO3 एन ए टू सी ओ थ्री उसमें दस वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दस पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है इसे धावन सोडा बोलते हैं वाशिंग सोडा बोलते हैं इसका हम यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना कर सकता है ठीक है हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की जो कठोरता होती है किसकी वजह से पानी कठोरता होती है कैल्सियम के आयन और मैग्नीशियम के आयनों की वजह से पानी में कठोरता होती है है ना तो उसको क्योर किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट से जिसे हम धावन सोडा या कहते हैं और इसका लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ड्री मतलब आ, कपड़ों की धुलाई में साफ में इसके बाद जिप्सम जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट ये इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और ये आपका सीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम का यूज सीमेंट में किया जाता है प्लस जिप्सम का यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है पीओपी को बनाने में जिप्सम का यूज़ किया जाता है तो जिप्सम को हम सीमेंट बनाने सीमेंट में डाल मिला देते हैं और पीओपी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम का जिसका सूत्र क्या है इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें जो बेकिंग सोडा है ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका क्या करता है इसको हम खाने वगैरह में डालते हैं केक में डालते हैं केक में डालते हैं जिससे ये केक फुला देता है कैसे केक फूलती है क्योंकि जैसे ही सोडा ये डाला जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो ये हमेशा जैसे ये केक है केक से छेद करते हुए बाहर निकलती है केक में या फिर ब्रेड में छेद करते हुए बाहर निकलती है जिससे केक या ब्रेड में बहुत सारे छेद हो जाते हैं उनमें हवा भर जाती है और वो स्पॉन्जी हो जाता है क्या हो जाता है स्पॉन्जी हल्का हो जाता है फूल जाता है एक्सपेंड हो जाता है तो ये सो बेकिंग सोडा की वजह से होता है इसके सूत्र में क्रिस्टल कलर का पानी नहीं है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा इसे बोला जाता है क्रिस्टलीकरण का पानी या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है तो यहां पे आपके एन थ्री में नहीं होते हैं और ब्लू बिट्रियोल में भी होते हैं ब्लू बिट्रियोल नीला थोता जिसको बोलते हैं इसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया इनको ध्यान से लिख लो सभी को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसमें पांच वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इसे हम नीला थोता के नाम से जानते हैं ब्लू बिट्रियोल या नीला थोता ठीक है याद रखना है। इसका यूज कहां कहाँ होता है कोई बताएगा इसका यूज इंसेक्टिसाइड में किया जाता है इनका यूज पेस्टिसाइड में फंगीसाइड में इनका यूज किया जाता है ठीक है जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए ठीक है चलिए आगे चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट यहां पे आंसर करेंगे सभी लोग यहां पे दे रखा है कि मैं एक और दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है अब देखो यहां पे एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर जी 30 40 मिनट में एक घंटे में आपने 15-20 क्वेश्चन करवाए है ना तो ऐसे स्टूडेंट को मेरी दुआ सलाम ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे इस वाली सीरीज में सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो हमें लगेगा कि इनको एक्सप्लेन करना है और वहां से आपके चारों ऑप्शन से चार क्वेश्चन बनेंगे है ना चारों ऑप्शन से चार अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपके पंद्रह क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं ठीक है तो वहां से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाना कहीं भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना साइंस का आप वहां पे जब करने बैठोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए मिलेंगे नए नहीं, नहीं मिलेंगे लैंग्वेज भले ही चेंज हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे क्वेश्चन सेम रहेंगे लैंग्वेज अलग होगी ठीक है तो इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाते हुए चल रहे तो आपको भी प्रॉपर तरीके से करना है ठीक है चलिए तो यहां पे आपका दे रखा है कि लेफ्ट टू राइट किसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा संयोजी हो इलेक्ट्रॉन तो वो पीरियड में किसमें आवर्त में यानी जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं क्यों आप पहला पीरियड देख लो या सेकेंड पीरियड देख लो हम यहाँ पे सेकेंड पीरियड बना देते हैं लिथियम जिसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाद बेरेलियम आता है चार इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास तीन फिर बोरॉन आता है पांच इलेक्ट्रॉन फिर आपका कार्बन आता है छह इलेक्ट्रॉन फिर नाइट्रोजन सात इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आठ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन नाइन इलेक्ट्रॉन और नियॉन आपका दस इलेक्ट्रॉन तो ये आपका सेकेंड पीरियड है जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको ये सेकेंड पीरियड दिखाई पड़ेगा आवर्त सेकेंड आवर्त जिसमें आठ तत्व होते हैं आठ एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, इसकी 2.2, इसकी 2.3, इसकी 2.4, इसकी 2.5, इसकी 2.6, इसकी 2.7 और इसकी 2.8। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे एक था या दो हो गया या तीन हो गया या चार हो गया या पांच तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो पीरियड में आवर्त में एक एक करके इंक्रीज होते जाते हैं एक एक करके इंक्रीज होते जाएंगे ठीक है समझ आ गया अगर नहीं तो आप इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी लोग आंसर करेंगे आइसोब्यूटेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र क्या है आइसोब्यूटेन सबसे पहले होता क्या है इसोब्यूटेन को और क्या हम नाम देते हैं जल्दी से देखिए इस आइसोब्यूटेन के बारे में कुछ पॉइंट बताता हूं ठीक है आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ये अरे ये मक्खी भी आज लिख रही है देखो है ना देखो आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और एक आपका ब्रांच होता है कार्बन एक ब्रांच कार्बन होती है यानी ब्रांच तो कार्बन होती है तो अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो वन टू थ्री आपकी नंबरिंग आएगी है ना ठीक है वन टू थ्री नंबरिंग आएगी नंबरिंग आएगी, ठीक है और ये क्या लगेगा मिथाइल ग्रुप लगेगा अगर आप यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और यहां पे एक ग्रुप लगाए सी एस्त्री या तो इसे ग्रुप मान लो या इसे मान लो बात एक ही है तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी वन टू थ्री तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू मिथाइल क्या हो गया हाँ अरे यार मक्खी पढ़ाने ही नहीं दे रही है <laughs> दोस्तों एक सेकेंड है ना देख रहे हो बहुत परेशान कर रही है अपने आप उसने गायब कर दिया सब चलिए यहां पे मैं दोबारा बना रहा हूं एक दो तीन कार्बन यहां पे चौथा कार्बन तो इस अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे तीन लगा दीजिए हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहां पे तीन हाइड्रोजन यहाँ तीन हाइड्रोजन तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन टू थ्री नंबरिंग करेंगे दो नंबरिंग पे आपका ये बन जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन इसका नाम होता है टू मिथाइल प्रोपेन भी इसको बोलेंगे क्योंकि दो नंबर पे क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप ये मिथाइल ग्रुप होता है और कार्बन कितने एक दो तीन फिर जो मिथाइल ग्रुप हमने ले लिया तो हम इसको दोबारा नहीं गिनेंगे तो एक दो तीन कार्बन के लिए हम प्रोपेन लगाएंगे और मिथाइल ग्रुप दो नंबर पे लगा तो टू मिथाइल प्रोपेन आपका आंसर हो जाएगा यानी कि आइसोब्यूटेन को टू मिथाइल प्रोपेन या मेथिल प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं और इसका जो सूत्र आएगा फाइनल वो C4H10 ही आएगा यही आपका आएगा ठीक है तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा ठीक है आंसर हाँ मक्खी मुगवी है ये पता नहीं किस बात का बदला कर ले रही है ठीक है चलिए एक बार दोस्तों शेयर करो क्लास को भाई देख रहे हो क्या हालत कर दी है चलिए आपको समझ आ गया तो यहां पे याद रखना आपका और ये क्या होता है ये प्रोपेन होता है ये आपका प्रोपीन होता है ये आपका ब्यूटीन होता है ब्यूटीन ब्यूटीन प्रोपीन और ये प्रोपेन ठीक है समझ आ गया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जल्दी से नेक्स्ट देखिए यहां पे आपका दे रखा है देखो ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं चार ये चार स्ट्रक्चर दे रखे हैं इनमें पहचानना है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो पहले आप तीन ऑप्शन देख लो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको तो पे ऑप्शन में आपका दिख रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे ही आपको कहीं भी कार्बन 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 के के बीच बीच में में डबल बॉन्ड दिखे या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ये आपके अनसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको कहते हैं क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनको जब हम जलाते हैं जब इनको जलाते हैं तो ये ब्लैक स्मोक के साथ जलते हैं यानी सूटी फ्लेम के साथ जिसको क्या बोलते हैं सूटी येलो फ्लेम काले मतलब धुएं के साथ जलते हैं येलो लॉग, यानी पीली लॉग के साथ ठीक है सूटी का मतलब होता है काला कर देते हैं बर्तन को येलो फ्लेम के साथ ये जलते हैं याद रखिएगा हमेशा तो आपका ए ऑप्शन पे राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह पे क्या है सिंगल बॉन्ड है और सी पे सी वाले पॉइंट में भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है डी में भी कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ आ गया बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट यहां पे जल्दी से देखिए हीमोफीलिया क्या है हीमोफीलिया यहाँ पे अगर हम हीमोफीलिया की बात करें हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मतलब एक ये जीन्स के द्वारा फैलता है यानी एक जगह से एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में हो जाता है और इसमें क्या होता है एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड क्लॉट करने वाले यानी कि जो हमारे अंदर जैसे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना ब्लड रुक जाता है लेकिन जब जिसको हीमोफीलिया होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है मतलब अगर एक बार चोट लग गई तो वो खून बहता रहेगा बहता रहेगा और अगर खून बहता रहेगा तो जान भी जा सकती है तो सीधा सा लॉजिक ये है कि ये जो हीमोफीलिया होती है ये एक ऐसा रोग है जिसमें जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती यानी ब्लड का रक्त का थक्का नहीं जम पाता है है ना और यह एक रोग है जो रक्त का थक्का करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार है जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है तो यहाँ पे आप लोग याद रखना यानी वो जीन जिनकी वजह से थक्का जमता है उनकी अनुपस्थिति की वजह से ये वाला रोग हो जाता है तो सीधा सीधा पॉइंट आपको याद रखना है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और देखो जिनका ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो सीधा सी बात सीधी सी बात है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ब्लड का अगर थक्का नहीं जम रहा यार ये मक्खी आज बहुत परेशान कर रही है देख लो गायब कर दे रही है एक सेकेंड दोस्तों क्या हो रहा है जाओ माता अरे यार ये क्या कर दिया बने रहना अभी ठीक है क्वेश्चन सारे करके जाना चलिए बात कर लेते हैं इसकी जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को कौन सा था हमारा हाँ हीमोफीलिया हो गया इसको करिए निम्नलिखित में से किसे बोल्टे सेल के नाम से जाना जाता है बोल्टेक सेल को निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है बोल्टेक सेल को किस नाम से और जाना जाता है ध्यान से समझिए बोल्टेक सेल को किस नाम से जाना जाता है बोल्टेक सेल को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना गैल्वेनिक सेल से जाना जाता है ठीक है बोल्टेक सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए यहां पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट बाद एक देखें तो इसमें एक एनोड होता है इसमें एक एनोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है ठीक है और एक जगह पे कैथोड होता है जहां पे क्या होता है रिडक्शन होता है तो याद रखना कि जो आपके ये सेल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ये वाले जो सेल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ये विद्युत ऊर्जा को जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं ठीक है तो सिंपल लॉजिक है जो आपके ये वोल्टेक सेल होते हैं जिनको हम गैलवेनिक सेल बोलते हैं ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल रिएक्शन रासायनिक के अविक्रियाओं द्वारा और ज्यादातर कौन सी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन ठीक है के द्वारा केमिकल एनर्जी को बदल देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए एक पास्कल आप सभी को पता है पास्कल की अगर हम बात करें ये पास्कल कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे याद रखना पास्कल की अगर हम बात करें तो एक पास्कल होता है आपका एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ठीक है यानी अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट टाइम सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर तो न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अगर हम यहाँ पे फोर्स अगर हम एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करें किसी किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करें किसके बराबर एक न्यूटन के बराबर अगर हम फोर्स अप्लाई करें ध्यान से समझना एक न्यूटन के बराबर किसी फोर्स किसी एक मीटर स्क्वायर एरिया पर एक मीटर स्क्वायर एरिया पर मान लो ये एरिया है जिसका एरिया है एक मीटर स्क्वायर इस पर हमने फ़ोर्स लगाया एक न्यूटन के बराबर तो ये जो होगा वो एक पास्कल के बराबर होगा किसके बराबर होगा एक पास्कल के बराबर होगा तो सिंपल सा लॉजिक है एक पास्कल हो जाएगा आपका एक न्यूटन मीटर की पावर माइनस टू के ठीक है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा क्लियर है चलिए बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ए ऑप्शन आपको समझ आ गया नेक्स्ट यहां पे जल्दी से देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें 21 की किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत में बदलने के लिए ध्यान से समझिए यहाँ पे किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पॉइंट बता दूँ यानी किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में बदलने वाला जो उपकरण होता है या जो डिवाइस होती है उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रांसड्यूसर याद रखना उसको ट्रांसड्यूसर बोला जाता है यानी कि किसी भी प्रकार की एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होती है उसको ट्रांसड्यूसर बोला जाता है एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे देखिए माइक अगर हम एग्जाम्पल में माइक की बात करें जो हम आप जिससे पढ़ा रहे हैं ये क्या कर रहा है ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है यह ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है कौन माइक तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कौन माइक तो ये माइक जो है वो ट्रांसड्यूसर कहलाएगा है ना तो जितने सेंसर्स होते हैं वो भी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं जितने सेंसर्स होते हैं वो भी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं और जो लाउड स्पीकर है लाउड स्पीकर क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है तो ट्रांसड्यूसर एक कॉमन वर्ड है कॉमन एक डिवाइस है ठीक है ये माइक भी हो सकता है ये आपके लाउड स्पीकर भी हो सकती है तो ट्रांसड्यूसर में याद रखना कि ए फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो डिवाइस आपकी ट्रांसड्यूसर कहलाती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है यानी कि स्टडी ऑफ ग्रास स्टडी ऑफ ग्रास की अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ग्रास तो स्टडी ऑफ ग्रास को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी यानी बी ऑप्शन और अगर हम आपसे पूछें ऑस्टियोलॉजी क्या होता है ये होता है स्टडी ऑफ बोन्स और उसका स्ट्रक्चर यानी हड्डियों का जो कंकाल होता है स्टडी ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का कंकाल उनकी स्टडी उनकी स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हैं अगर हम पोमोलॉजी की बात करें तो जो फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स फ्रूट्स की अगर हम बात करें फल फ्रूट जानते हो आप लोग फल वगैरह इनको उगाना अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्म की फ्रूट को उगाना और उनकी स्टडी करना वो किसमें पढ़ते हैं पोमोलॉजी और ये कौन सी लॉजी है बताएगा कोई ये भैया देश का नाम डाल दिया इन्होंने क्या है एथियोपिया ये एक देश का नाम है ठीक है ये कोई स्टडी नहीं है ये एक देश का नाम है एथियोपिया तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया था घास की स्टडी को घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी ठीक है एग्रोस्टोलॉजी यानी बी ऑप्शन बिल विद राइट आंसर चलिए कैसी लगी दोस्तों क्लास कल और मजा आएगा ऐसे ही आपके नए नए क्वेश्चन मिलेंगे कुछ और शानदार आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे लाइक करेंगे और ध्यान रखिएगा आपकी 12 बजे 12 बजे आपको पता होगा है ना डेली आप लोग क्लास ले रहे हैं सोनम मैम की कौन सी चलती है स्टेटिक जीके की क्लास चलती है इसके अलावा आपकी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आप लोग जाइएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर सभी की सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी ठीक है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाना फ्री कोर्सेज में फ्री कोर्सेज में जाना आपको आरआरसी ग्रुप डी का सेक्शन मिलेगा उसमें आपको न्यू सीरीज होगी पांच क्वेश्चन की उसमें सारी पी अपलोडेड है ठीक है इसके अलावा वहां पे क्विज चलती रहती है एग्जामपुर ऑफिशियल पे ऐप पर तो वहां पे आप लोग विजिट करते रहिए चलिए तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइमिंग पे थैंक यू शुक्रिया ऑल द बेस्ट